शेर शाह जो है, इसे इतिहास में बहुत सारे उपाधियों से विभूषित किया गया पहले के ज़माने में, और बहुत सारे लोग इसे बहुत सारे नई चीज़ों के जन्मदाता के तौर पर देखते थे कि ही डिड सो मेनी न्यू थिंग्स। इसीलिए शेर शाह को इनोवेटर के तौर पर भी लोग देखते थे कि इस तरह से उसने किया। लेकिन जैसे जैसे इतिहास में स्रोतों की उपलब्धता होती गई और मेडिवल पीरियड के बारे में जानकारी आती गई, उससे ये जरूर धीरे धीरे आया कि शेर शाह ने बहुत कुछ नया नहीं किया, सल्तनत पीरियड के ही बहुत सारी बातों को एक बेहतर तरीके से लागू किया। तो इसलिए पहले के ज़माने में राष्ट्र निर्माता, नवीन पद्धतियों को चलाने वाला यानी इनोवेटर, लेकिन आज उसको अधिक से अधिक सुधारक कहा जाता है। हालांकि योगदान का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़े पब्लिक डिसऑर्डर के दौर में उसने पूरे एरिया में एक ऑर्डर लाया, एक नई प्रशासनिक व्यवस्था लाई, शांति लाया, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ ठीक किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें हम लोग प्रीलिम्स के जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए उतना ही है। अब हम लोग इसके प्रशासन को, केंद्रीय प्रशासन को देखते हैं कि किसी भी शासक के लिए उसका जो प्रशासनिक एक्सपेरिमेंट्स होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले हम लोग केंद्रीय प्रशासन का स्वरूप, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, पहला विभाग था, अधिकारी था दीवाने वजारत, इसका हेड कर रहा था वजीर, है ना, वजीर, इसे याद रखिए, लिखते जाइए अगर नहीं जानते हैं तो, दीवाने वजारत हेडेड बाई वजीर, प्रधानमंत्री का तौर पर हुआ। यह वित्त और लगान को देखता था, सामान आय एवं व्यय, जनरल इनकम एंड एक्सपेंडिचर संबंधी, और अन्य विभागों को सुपरवाइज करता था। तो आज भी वजीरे आला प्रधानमंत्री को कहा जाता है। फिर दीवाने आरिज था, इसका हेड आरिज ए मुमालिक था, दीवाने अर्ज और हेडेड बाई आरिज ए मुमालिक, ये सेना का प्रधान होता था, है ना, हेड ऑफ द आर्मी। आर्मी में अनुशासन बनाए रखना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, मैनेजमेंट उसका प्रबंधन करना, रिक्रूटमेंट भर्ती करना, और उन लोगों का वेतन जो सैलरी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना वगैरह, इसकी जिम्मेदारी होती थी। दीवाने रसालत जो है ये फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री, दीवाने रसालत विदेश मंत्री है, दूसरे राज्यों में राजदूत भेजना, विदेशी प्रतिनिधिमंडल को रिसीव करना और कॉरेस्पॉन्डेंस करना दूसरे राज्यों के साथ, पत्र व्यवहार करना। नेक्स्ट है दीवाने इंसा, इसका हेड है दबी, दीवाने इंसा हेडेड बाई दबी, रॉयल जो घोषणाएं अनाउंसमेंट होते थे, शाही घोषणाओं को करना, संदेश मैसेजेस लिखने का काम करना, स्थानीय अधिकारियों और गवर्नरों से कम्युनिकेशन में रहना और सरकारी रिकॉर्ड को संभाल कर रखना, ये इसका काम था। दीवाने काजा मुख्य काजी था, मेन जुडिशियल ऑफिसर ही था, चीफ जस्टिस नॉट इन दैट सेंस, क्योंकि राजतंत्र में राजा ही अंतिम न्यायाधीश होता है, लेकिन न्याय व्यवस्था का हेड दीवाने काजी था, मुख्य काजी, और दारोगा या डाक चौकी, लॉ एंड ऑर्डर भी और गुप्तचरी व्यवस्था भी, है ना, ये व्यवस्था उसने और केंद्रीय प्रशासन में कायम किया। और इसके अलावा जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में भी लोगों का मानना है कि इसका जो प्रशासन था वह कई प्रांतों में बंटा था। उस जमाने में प्रांत को सरकार बोलता था, है ना, प्रांत को सरकार बोला जाता था,
सरकार और यहाँ दो अधिकारी होते थे, एक सिकदार, एक सिकदाराम और दूसरा मुंसिफ, एक मुंसिफाम, है ना। सरकार तो यही बाद में परगना ऊपर रहेगा, सरकार नीचे रहेगा, लेकिन शेर शाह के जमाने में सरकार ऊपर है, परगना नीचे। तो सरकार में डिवाइडेड था इसका प्रशासन, ये प्रशासनिक डिवीजन का हाईएस्ट इकाई था, यूनिट था। तो ये दो आदमी थे, सिकदार सेना लॉ एंड ऑर्डर और मुंसिफ जो है फाइनेंस से जुड़े हुए सारे मामलों को देखता था, और इसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे अधिकारी थे। और इसी में जब परगना हो जाएगा तो परगना में ये मिट जाएगा, तो उसको कहा जाएगा सिकदार और मुंसिफ, है ना। सिकदार ए सिकदाराम है सरकार में, मुंसिफ है मुंसिफान है, तो यहां परगना में ये मुंसिफ हो जाएगा और सिकदार हो जाएगा। लेकिन यहां एक खजानेदार भी होगा, कारकुन, कारकुन का मतलब होता है क्लर्क, दो क्लर्क होंगे असिस्ट करने के लिए, कानूनगो और फोतेदार के अधिकारी हैं, बाद में चल के जाति और टाइटल हो जाएगा, है ना। फिर इसी के साथ और भी छोटे छोटे अधिकारी इनको असिस्ट करने के लिए उस जमाने में होते थे, है ना। अब हम लोग इसके भूराजस्व प्रशासन को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने शेर शाह ने प्रोबेबली अलाउद्दीन खिलजी के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से सीख लिया था, बहुत सारे क्लू लिए थे और उसको फिर से रीडिजाइन करके रिफॉर्म करके लागू किया, क्योंकि किसी भी राज्य के प्रशासन में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुस्त और डिफाइंड होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो डिफाइंड नहीं रहा तो अधिकारियों के द्वारा अव्यवस्था फैलाई जाती है, लोगों के द्वारा भी फैलाई जाती है। तो इसने पहले जमीनों के कैटेगराइजेशन किया, उत्तम मध्यम और निम्न श्रेणी का जमीन, जो अलाउद्दीन जमाने में भी हुआ था। उसके बाद जमीन के रेवेन्यू का अंदाजा लिया गया, और अंदाजा का तरीका आगे है जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और दो तरह के दस्तावेज बने, एक दस्तावेज कहलाया पट्टा और दूसरा दस्तावेज कहलाया कबूलियत। तो आज भी पट्टा माने लीज होता है, लीज पेपर। तो पट्टा का मतलब हुआ कि मान ली आपने स्वीकार किया कि हम 5 बीघा जमीन पर हम खेती करेंगे, पर आपके अधिकार में 5 बीघा जमीन हो, तो यू आर गिवेन द राइट टू कल्टिवेट ऑन दैट लैंड। तो एक डॉक्यूमेंट मिला, दैट विल बी कॉल्ड पट्टा, और पट्टा किसानों को दिया जाए, जो खेती कर रहे लोग होंगे उनको पट्टा मिला, और आपने कबूला कि इतना जमीन का हम इतना टैक्स दें, तो आपके पट्टा पर भी लिखा हुआ है कि इतना जमीन इतना टैक्स, और आप ही ने कबूला है। वो कबूलियत सरकार के पास रहेगा, पट्टा किसान के पास रहेगा। इसीलिए जब कोई भी अधिकारी कर वसूल करने जाएगा तो वह कबूलियत भी लिए रहेगा और पट्टा से मिलाएगा, तो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन में कोई भी दुविधा नहीं रहेगी। देने वाला भी जान रहा है कि इतना हमको रेवेन्यू देना है, कलेक्ट करने वाला भी जान रहा है कि इतना रेवेन्यू। तो ये मतलब उस जमाने के लिए यूनिक व्यवस्था था कि इतनी पारदर्शिता मेंटेन की गई और इतना ऑर्डर लाया गया, दैट वाज ग्रेट अचीवमेंट इन दैट पीरियड। जो कर वसूल करने की पद्धतियां डिफरेंट, क्योंकि हर एरिया में अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां थी, आज भी हैं, हर जगह की जमीन की पैदाइश एक समान नहीं होती है। स्वाभाविक है कि हर जगह रेवेन्यू का रेट भी उस तरह से नहीं होगा, एक बीघा में जो रेट बिहार में लगेगा वो राजस्थान गुजरात में नहीं लगेगा, या जो पहाड़ी इलाका है नहीं लगेगा। तो हर एरिया के हिसाब से अलग अलग होगा।
उसके जमाने में ये तीन तरह के रेट थे, एक था गल्ला बख्शी या बटाई, दूसरा था नस्क मुक्तई या कानकुत पब्लिक में है, तीसरा था नगदी जब्ती या जमई, नगदी जब्ती या जमई। गल्ला बख्शी या बटाई सिस्टम जो है इट वॉज मोस्ट पॉपुलर, है ना, गल्ला बख्शी और बटाई, और ये सबसे जो पहला वाला है सबसे पॉपुलर था, है ना। ये तीन तरह का होता था। पहला कहलाता था खेत बटाई, यानी सरकार और किसानों के बीच आपने खेत बोया और उसी समय बांट लिया गया कि खेत का इतना हिस्सा सरकार का और इतना हिस्सा किसान का, तो खेत बांट लिया, काम खत्म। दूसरा है लॉक बटाई, जब आप फसल काटते हैं बोझा बनाते हैं, है ना, तो इतना बोझा हमारा इतना बोझा सरकार का, तो वो फसल के काटने के समय हो गया। और तीसरा होता है रास बटाई, अनाज जब आप डंठल से अनाज खलिहान में निकाल लेते हैं तो नहीं बोलते गांव में कि गेहूं का रास चावल का रास लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, तो खलिहान में आप अनाज बांट लेते हैं, निर्धारित है कि, और वो सारा पट्टा कबूलियत पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंगली यू डिवाइड। तो ये तीन तरह की चीजें उस जमाने में याद रखिएगा प्रचलित था। नस्क अथवा कानकुत में, नस्क अथवा मुक्ति अथवा कानकुत में जमीन के पैदावार का अनुमान लगाकर एक लमसम उत्पादन कर सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता था, अनुमान लगाकर। नकदी जमाई और जब्ती में किसान और जमींदारों के बीच या सरकार के बीच एक समझौता होता था, इसके तहत पिछले तीन वर्षों के उपज का, आज भी अमूमन जबकि जो किसान होते हैं जानते हैं कि अगर तीन साल है तो एक साल बहुत बढ़िया फसल होगा, एक साल मानसून मार देगा, एक साल एवरेज होगा, तो तीन साल के उत्पादन का एवरेज लीजिए, कभी 50 किलो हुआ, कभी 40 किलो, कभी 20 किलो, तो तीन साल में मान लें कि 100 किलो हुआ, तो उसका एक औसत निकल गया कि तीन साल में इतना उत्पादन, और उसमें तीन से भागा दे दिया, 100 है तो तीन से 33 किलो आप हो गया, एंड देन द स्टेट विल डिवाइड कि हमारा शेयर इतना होगा, आपका शेयर इतना होगा, तो उसको एवरेज मान लिया जाता था। और इसके जमाने में कर के निर्धारण में रिलैक्सेशन मिलता था, लेकिन जो निर्धारित हो गया, निर्धारण करने के समय आपको चाहे जो सहूलियत मिल जाए, आप पर 150 किलो अगर निर्धारित हुआ तो हाथ पैर जोड़े तो मान लीजिए 130, 120, 25 किलो हो गया, लेकिन जब 125 किलो हो गया तो 125 किलो हर हाल में देना पड़े, वसूली में कड़ाई की जाती थी ताकि सिस्टम खराब ना हो। फिर नीचे है एक महासिलाना और जरीबाना, दो तरह का कर होता था। जरीबाना याद रखिएगा, ये सर्वे करने वाले का फी था, फी ऑफ द सर्वेयर इट यूज्ड टू बी 2.5%, सर्वे करने वाले का कर है। महासिलाना कर एकत्र करने वाले का कर है, जो रेवेन्यू वसूलेगा वह टैक्स लेगा। तो जरीबाना सर्वे टैक्स और महासिलाना कलेक्शन टैक्स, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी जो रेवेन्यू सिस्टम भी थी वो बहुत ही ऊंचे दर्जे की सिस्टम थी, है ना। तो इसलिए शेर साहब को इस मामले में बहुत ही योग्य व्यक्ति माना जाता है, पब्लिक वर्क्स भी उसने किया। और शेर शाह ने चार प्रमुख सड़कों का निर्माण करवाया, नहीं है ना, एक सड़क कहलाया जीटी रोड जो आज आप कहते हैं, उसको इसके जमाने में सड़क ए आजम कहा जाता था, सड़क ए आजम,
है ना, जीटी रोड जिसको आज कहा जाता है सड़क ए आजम। यह जो सड़क है बंगाल के सुनार गांव से आगरा, दिल्ली, लाहौर होते हुए सिंधु नदी के तट तक जाता है ना, इधर से होते हुए सिंधु नदी के तट तक जाता था। जीटी रोड के बारे में इस तरह से बहुत सारे वाद विवाद हैं। अब जैसे मौर्यों के जमाने में भी राजपथ महान राजपथ का नाम दिया जाता है, यह अभी तक शिला से आकर पाटलिपुत्र राजगीर होते हुए बंगाल जाता था। तो निश्चित रूप से बहुत सारे जो सड़क बनाए जाते हैं वो पुराने रास्तों को भी उसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है। तो किसने बनाया नहीं बनाया फिर रिबिल्ड कर दिए, तो ये कोई ज़्यादा विवाद का ऐसा विवाद का नहीं कि मेरे पिताजी का कि आपके पिताजी। दूसरी सड़क आगरा से मांडू जाती थी, आगरा से मांडू जाएगी, मांडू भी इसमें नहीं है ना, ये मैं प्रकरण है। तीसरी सड़क जो है आगरा से जोधपुर होते चित्तौड़ तक जाती थी, राजपूताने के लिए रूट बना हुआ था। और चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान जाती थी, लाहौर से मुल्तान जाती थी है ना। सड़क के किनारे किनारे फलदार वृक्ष लगाए गए और जीटी रोड में अकेले 1700 सरायों का निर्माण हुआ, 2 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण हुआ। इसमें हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए अलग अलग खाने पीने की व्यवस्था थी है ना, हिंदुओं के लिए अलग मुसलमानों के लिए अलग। आज कोट पैंट पहन के आ रहे तो हाथ नहीं चलेगा है, लिखने का आदत बार बार कर रखना चाहिए। देखिए उस जमाने में इतना वैल्यू है कि हिंदुओं के लिए अलग है और मुसलमानों के लिए अलग है। और यही जो सराय है यह एसपीएलए सिस्टम साथ में साथ डाक का भी काम करता था। हर सराय में 2 घोड़े होते थे, तो एक घोड़ा यहाँ आया और मान लीजिए एक घोड़ा यहाँ आया तो यहाँ जो घोड़ा रखा है होली के दौरान वो घोड़ा वहां रेस्ट कर लिया, इधर से कोई आया दूसरा घोड़ा लेकर इधर चला गया वो रेस्ट कर लिया है ना। तो इस तरह से ये चंदा था ठीक है।